सेरिया के मैच ड्रीम इलेवन टिप्स के लिए हम लोग हाजिर हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ओडिनीज और वेरोना के बीच में जो सेरिया का मैच है, ड्रीम इलेवन में कैसे आप इसमें अच्छी टीम बना सकते हैं और किन किन प्लेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए और कैसे आपके मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, इसी की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास आज हाजिर हुए हैं। देखिए, ये वीडियो 6-7 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग पहलू पर बात करेंगे कि किन प्लेयर्स पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से सस्पेंडेड हैं, और मैनेजर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, टीम्स की फॉर्म कैसी है, आपस में इनकी राइवलरी कैसी है, और इस गेम में क्या हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपनी टीम बनाइए। ये फाइनल टीम नहीं होगी, बिकॉज जो भी हम लोग आपको प्रेडिक्ट करेंगे, हम लोग अच्छे प्लेयर्स की बात करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई और प्लेयर शायद टीम के स्टार्ट करे, तो हम वो टीम भी ट्राई करेंगे कि लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद आपको वो टीम भी दे दें, ताकि आप उसमें भी थोड़ा अंडरस्टैंड करके अपनी टीम चेंज करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म ड्रीम इलेवन में कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जितना भी ड्रीम इलेवन का कंटेंट आपके पास लेके आते हैं, ये हमारी साइट स्पोर्ट्स मार्वल है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे लाइनअप्स अब तक अनाउंस होते हैं, हम लोग टीम डालते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक्सटेंसिव कवरेज कुछ टाइम से हम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से हम ये दोबारा से शुरू करने लगे हैं। तो देखिए, इन दोनों टीम्स की अगर बात करें तो पोजीशन 7th vs 17th का मैच है। अब मैं 18th रादर हेलस वेरोना का भी पोजीशन है और 7th उडिनीस का। उडिनीस ने 19 मैचों में 28 पॉइंट लिए हैं और 6 का उनका गोल डिफरेंस है, वहीं पर हेलस वेरोना ने 19 मैचों में 12 पॉइंट केवल हासिल किए और -14 का गोल डिफरेंस है। अगर आप अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 16 अंकों का है, और 16 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूं, जो आजकल फॉर्म के हिसाब से हेलस वेरोना ने लास्ट के 4 मैचेस में 2 गेम जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ किया और केवल 1 ही गेम हारा, और वहीं पर उडिनीस का एक स्लंप आया है जिसमें वो 2 गेम हारे, 1 गेम ड्रॉ किया, केवल 1 गेम जीता है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये मामला थोड़ा सा करीब होता दिख सकता है दोनों टीम्स के बीच में, और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये काफ़ी करीब मामला हो सकता है तो कोई भी एक गेम जीत सकता है। हालांकि उडिनीस इस गेम में फिर भी 2-1 जीतने के प्रबल दावेदार होगी। अब देखिए, लास्ट गेम जो खेला गया था उडिनीस ने, वो सैम्पडोरिया के साथ जीते थे, जिसमें किंग्सले एज़ीबो ने लास्ट में गोल किया था, और थोड़ा सा उनको इस समय कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, लेकिन इस गेम में आपको मैं बता दूं कि जो प्लेयर्स आगे हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। अब उडिनीस की अगर आप प्लेयर देखिए तो जो बेटो बेरकिक हैं, ये बहुत गैम्बिया के फॉरवर्ड हैं, 11 स्टार्ट के 7 गोल्स किए, तो ये तो आप 100% ये प्लेयर लीजिए। जेरार्ड डेलफू, ये एवर्टन के लिए भी खेले हैं, बार्सिलोना के लिए भी खेले हैं, लेकिन इनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये इस गेम में इंजर्ड हैं, और इनको लास्ट टाइम जो इंजरी हुई थी इस वजह से अनफॉर्चुनेटली नी सर्जरी इनको करानी पड़ेगी और ये काफ़ी टाइम के लिए बाहर रहेंगे, और इस वजह से हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन 75% लोगों ने किया हुआ तो मैं उनको बता दूं कि ये प्लेयर्स अभी नहीं खेलेंगे। उडिनीस के लिए आगे जो स्टार्ट करेंगे वो सक्सेस जो प्लेयर हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और बेटो की जो आगे का वो रहेगा, तालमेल रहेगा, वो काफ़ी अच्छा है। सक्सेस ने अभी तक गोल सीरिया में स्कोर नहीं किया, लेकिन 4 असिस्ट किया, और हमें लगता है कि इनका घर का मैच है तो शायद यहाँ पर वो बेटर खेलेंगे। वेरोना की अगर मैं बात करूँ प्लेयर्स की कि किन प्लेयर्स को आपको वेरोना में ध्यान देना पड़ेगा, देखिए वेरोना में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मैं बोलूँगा, डिफेंडर्स ने बहुत गोल किए हैं, चाहे वो फैबियो डेपोलाली हो, जोस डॉयक हो, फेडरिको सचरीनी हो, और कोरोए जेंटर हो, ये सारे डिफेंडर्स इन्होंने गोल किए हैं, और मिडफील्डर और फॉरवर्ड में देखा जाए तो ज़्यादा इनको सक्सेस इतनी नहीं मिली है, लेकिन जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं वो आगे लेजोविच रहे हैं, और सबसे पहले मैं वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँ जो मुझे लगता है कि उस गेम में पक्का खेलेंगे। देखिए यहाँ पर सही में जो लोगों का सिलेक्शन अच्छा रहा है, क्योंकि 94% लोगों ने यहाँ पर इनको लिया है। वहीं पर अगर मैं उडिनीस में वापस जाऊं तो मैं यहां देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोगों ने उडोगी को लिया, और उडोगी को लेना भी चाहिए क्योंकि 2 गोल 2 असिस्ट किए हैं, और लीड्स के पुराने प्लेयर जो परेरा हैं वो इस समय भी काफ़ी लोगों ने इनको सेलेक्ट किया उडिनीस के लिए, लेकिन
परेरा को सिलेक्ट तो लोगों ने कर लिया है, लेकिन इनको एक माइनर इंजरी है जिस वजह से इनका खेलना लगभग नामुमकिन है, तो इस वजह से ये शायद नहीं खेलेंगे। प्लीज़ आप ये प्लेयर सिलेक्ट मत करिएगा अगर ये नहीं खेलते तो। हालांकि अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद वो इंजरी से रिकवर कर गए तो वो खेल भी सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आगे की बात करें तो अर्सलन वॉलेस और सेमडिच उडिनीस के लिए हमेशा खेलते हैं। अब मैं यहाँ सेमडिच की अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स के बारे में बात करूँ, 3 गोल 1 असिस्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अच्छे प्लेयर हैं, इस वजह से हम भी इनको लेंगे। अब अर्सलन और वॉलेस की मैं बात करूँ, देखिए ये दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन वॉलेस डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं, 1 भी गोल 1 भी असिस्ट नहीं किया तो मैं वॉलेस को नहीं लूँगा टीम में, और वहीं पर अर्सलन ने भी सिर्फ 1 गोल किया है तो मैं इनको भी टीम में नहीं ले रहा हूँ। मैं ये अगर बात करूँ वेरोना के प्लेयर्स की, जो प्लेयर आपको वेरोना के सबसे अच्छे आगे खेलेंगे, तो देखिए ज्यूरिच, लेसेजना और लेजोविच। लेजोविच आप ले सकते हैं। अब आपको लेसेजना और ज्यूरिच में से किसी को एक को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 ही फॉरवर्ड ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूँ तो लेसेजना ने 1 गोल 2 असिस्ट किया है, और अगर मैं बात करूँ ज्यूरिच की तो उन्होंने सिर्फ 1 गोल किया है, तो लेसेजना यहाँ पर एक बेटर चॉइस रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ज्यूरिच। यहाँ वेरोना के मैं देख रहा हूँ कि वर्डी को बहुत लोगों ने लिया, लेकिन वर्डी ने केवल 1 गोल किया। मैं इनको लेने में अभी इतना श्योर नहीं हूँ कि ये मैं इनको लूँगा, तो पहले मैं बाकी डिफेंडर्स चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेरोना के डिफेंडर्स इनकी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिस वजह से इनके प्लेयर्स ये काफ़ी, जो इनका कमबैक हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। अब जो उनके विंग्स पे खेलेंगे वो सेचुरिनी और डिपियोली खेलेंगे। डिपियोली देखिए 96% लोगों ने ले रखा है, और मैं अगर आपको बताऊं जो इसमें प्लेयर हैं, ये चेकरिनी ने 1 गोल किए हैं 13 गेम के सारे के सारे के लिए, और लगभग पूरा मैच ये खेलते हैं, तो प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके एक डिफेंडर जो जोश डॉइग हैं, देखिए ये 96% लोगों ने ले रखा है, और डॉइग स्कॉटलैंड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अब अगर ये इस गेम में खेलते हैं, जो कि खेलने का चांस है काफ़ी हद तक, तो ये तो 100% टीम में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इनका 2 गोल 3 असिस्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये वेरोना के रहेंगे। वहीं पर उडिनीस की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक आउटसाइड चांस है, गेम 0-0 भी फिनिश हो सकता है, तो आपको डिफेंडर्स भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो उडिनीस के प्लेयर पीछे खेलेंगे, उसमें से बेकाव हैं जो विंग पे खेलते हैं, लेफ्ट विंगर हैं, और दूसरे एंड पे एजीबुए खेलते हैं। तो बेकाओ के अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो बेकाओ ने अभी तक 1 गोल 1 असिस्ट किया है, और दूसरी जगह पे हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं मेसिना को, क्योंकि मेसिना एक काफ़ी अच्छे इनके डिफेंडर हैं, और इन्होंने भी 1 गोल किया है, 4 ही गेम स्टार्ट किए हैं, लेकिन अगर मेसिना इस गेम को स्टार्ट करते हैं तो मेसिना बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अगर मेसिना स्टार्ट नहीं करते तो जो एसीबो हैं हम उनको ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप इनको ले सकते हैं, सेचुरिनी को जिनको मैं बता रहा था वेरोना के, या फिर क्योंकि ये घर का गेम है उडिनीस का, तो मैं इनको लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ पर हम अवे कीपर जो खेलेंगे हेलर्स के लिए, वो मोंटिपो खेलेंगे। मोंटिपो को मैं लूँगा क्योंकि उडिनीस के घर पर मैच है। कैप्टन, अब मैं यहाँ पर बेटो को कैप्टन लूँगा, सिर्फ 0.55% लोगों ने लिया है, अच्छा आपके लिए कि चांस है कि आप इनको ले सकते हैं। और मैं बेकाऊ को वाइस कैप्टन लूँगा, मुझे लगता है कि उडिनीस इस गेम को 1-0 भी जीत सकता है, या इस गेम में 0-0 भी हो सकता है, या दोनों टीम गोल स्कोर कर सकती है, लेकिन ये टीम मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर खेल सकती है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही टीम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम टीम डालते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करके भी टीम बता देंगे, ताकि आपको अच्छा समझ में आए और कैसे प्लेयर को सिलेक्ट करना वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।